हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएन शर्मा, माय सेल्फ नितिन कुमार। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये नोटिस आया हुआ है। ये डेट शीट आई है जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की, और ये जो हमारे पास डेट शीट आई है ये है कश्मीर प्रोविंस के लिए। ठीक है, कश्मीर प्रोविंस की ये डेट शीट है, इसको हम डिटेल में देखेंगे कि किसके लिए ये डेट शीट है। तो यहाँ पे हमारे पास है जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, न्यू कैंपस भीमना श्रीनगर। ठीक है, तो यहाँ पे इनके कॉन्टेक्ट्स दिए हैं, इन पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हम देख लेते हैं। तो ये एग्ज़ाम जो डेट शीट है वो किसके लिए है, आपके पास फ्रेश प्राइवेट कैंडिडेट के लिए। अगर आप फ्रेश प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो ये आपके लिए डेट शीट है। और ये हमारे पास है 12th क्लास की डेट शीट। ठीक है, 12th क्लास की डेट शीट है। उसके बाद हम बात करें, ये एनुअल बाय एनुअल दोनों सेशन के लिए है, और ये है कश्मीर प्रोविंस के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हैं। एक तो कश्मीर प्रोविंस की डेट शीट है, अगर आप कश्मीर प्रोविंस से बिलोंग करते हैं तो ये डेट शीट आपके लिए है, और आपका 12th है ये डेट शीट आपके लिए है, और आप फ्रेश प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो ये आपके लिए डेट शीट है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास गुरेज भी आ जाता है, ठीक है, केरान आ जाता है, मचेल एंड तिंगदार। ठीक है, तो अगर आप इन एरिया से भी बिलोंग करते हैं तो ये डेट शीट आपके लिए है। ठीक है, तो हम आगे देख लेते हैं, डिटेल में देख लेते हैं डेट शीट को कि कौन सा पेपर कब होगा। तो यहाँ पे डे एंड डेट दिया हुआ है, यहाँ पे साइंस के सब्जेक्ट्स दिए हैं, यहाँ पे आर्ट्स के दिए हैं, यहाँ पे होम साइंस के दिए हैं, और यहाँ पे कॉमर्स के दिए हैं। ठीक है, तो ये देखने से पहले हम देख लेते हैं कि जो आपका पेपर की टाइमिंग है वो 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। 12 नून दैट मीन्स 12 बजे दिन को पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कौन सा पेपर आपका कब होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका पेपर होने वाला है इंग्लिश का, साइंस डिपार्टमेंट का इंग्लिश का होगा, आर्ट्स का भी इंग्लिश का होगा, होम साइंस का भी इंग्लिश का होगा, और कॉमर्स का भी इंग्लिश का होगा, जनरल इंग्लिश का। ठीक है, तो ये पेपर जो होगा 22/9/2020, दैट मीन 22 सितंबर को आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी मंथ की 22 को आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, और फर्स्ट पेपर इंग्लिश का है, जनरल इंग्लिश का। साइंस वालों का भी है, आर्ट्स वालों का सेम है, होम साइंस का भी जनरल इंग्लिश है, और कॉमर्स का भी जनरल इंग्लिश का पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट पेपर जो है, इनमें से एक पेपर होगा साइंस वालों का, इन सब्जेक्ट्स में से एक पेपर आर्ट्स वालों का होगा, ये सब्जेक्ट्स में से साइंस वालों का पेपर होगा, और ये सब्जेक्ट में से कॉमर्स वालों का पेपर होगा। और ये पेपर जो होगा यह होगा 24 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट पेपर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पेपर साइंस वालों का फिजिक्स का पेपर होगा, आर्ट्स वालों के इन तीनों में से कोई एक पेपर होगा, होम साइंस का इसमें से पेपर होगा, और हम बात करें कॉमर्स की तो इन सब्जेक्ट्स में से आपका किसी का पेपर होगा, और ये होगा आपका 28th सितंबर को। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आपका पेपर होगा 30th सितंबर, 30 सितंबर को होगा, 30 सितंबर को आर्ट्स वालों के इन पेपरों में से एक पेपर होगा, साइंस वालों का इन पेपरों में से पेपर होगा, यहाँ पे होम साइंस का कोई भी पेपर नहीं है 30 सितंबर को, और कॉमर्स वालों का भी कोई पेपर नहीं है 30 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेपर की बात करें, वो होगा आपका अक्टूबर में, 3/10/2020, दैट मीन 3 अक्टूबर, 3rd अक्टूबर को आपका जो पेपर होगा साइंस वालों का जियोग्राफी का होगा, आर्ट्स वालों का इन पेपरों में से कोई एक पेपर होगा, होम साइंस का उस दिन कोई भी पेपर नहीं है, और हम बात करें कॉमर्स की तो कॉमर्स का बिजनेस स्टडीज का पेपर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 6th अक्टूबर, 6th अक्टूबर को आपका साइंस वालों का बायोलॉजी आर स्टैटिक्स का पेपर होगा, आर्ट्स वालों का पोलिटिकल साइंस आर स्टैटिक्स का पेपर होगा, इस दिन होम साइंस वालों का कोई भी पेपर नहीं होगा, और कॉमर्स वालों का पेपर होगा अकाउंटेंसी का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 10th अक्टूबर, 10th अक्टूबर को आपका साइंस वालों का केमिस्ट्री का पेपर होगा, आर्ट्स वालों का इन दो पेपर में से एक पेपर होगा, उसके बाद यहाँ पे होम साइंस का क्लॉथिंग फॉर द फैमिली का पेपर होगा, और यहाँ पे हम बात करें कॉमर्स वालों की तो इन दो पेपर्स में से एक पेपर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पेपर आपका होगा 13th अक्टूबर, 13th अक्टूबर को आपका पेपर जो होगा वो होगा साइंस वालों के लिए इन सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट का पेपर होगा, आर्ट्स वालों के लिए भी इन सब्जेक्ट में से किसी एक का पेपर होगा, यहाँ पे होम साइंस वालों के लिए भी इन सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट का पेपर होगा,
और यहाँ पे कॉमर्स वालों के लिए भी इन सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट का पेपर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट पेपर है वो है 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर को पेपर होगा लास्ट पेपर आपका। और लास्ट पेपर में आपका साइंस वालों का मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर होगा, कॉमर्स सॉरी आर्ट्स वालों का मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड सोशियोलॉजी का पेपर होगा, होम साइंस का आपका एक्सटेंशन एजुकेशन का पेपर होगा, और कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स वालों का कोई भी पेपर नहीं होगा इस दिन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। तो फर्स्ट नोट जो है टीचर्स के लिए भी है और स्टूडेंट के लिए भी है। तो टीचर्स को क्या ध्यान रखना है कि बच्चे के पास एडमिट कार्ड हो, और बच्चे को ध्यान रखना है कि एडमिट कार्ड वो कैरी करे एग्जाम देने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो स्टूडेंट के लिए भी है और टीचर के लिए भी है। तो स्टूडेंट के लिए क्या है इसमें नेक्स्ट पॉइंट की जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा स्टूडेंट का, वो उसकी थ्योरी खत्म होने के बाद होगा। ठीक है, थ्योरी खत्म होने के बाद, थ्योरी मतलब कब खत्म होगी, 17/10/2020 को खत्म हो जाएगी थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और उसकी डेटशीट जो है वो आपके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से मिल जाएगी, जो एचओडी होंगे आपके स्कूल के वहां से मिल जाएगी, या फिर जो प्रिंसिपल होंगे उनसे मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपका जो स्टूडेंट के लिए आइए, तो आपका जो सेंटर होगा कहाँ पे आपका सेंटर है वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा कि आपने कहाँ पे पेपर देने जाना है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करें तो ये स्टूडेंट के लिए है, तो स्टूडेंट को फेस मास्क पहन के जाना है। ठीक है, जो भी मास्क है वो पहन के जाना है पेपर देने, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ध्यान रखना है वहाँ पे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो जो है वो टीचर्स के लिए, तो टीचर्स ने ध्यान रखना है कि जो भी जिस भी हाल में पेपर होगा उसको प्रॉपरली सैनिटाइज करना है पहले ही। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ये डेट शीट क्या है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये मैं बात आपको बता दूं कि ये जो डेट शीट है 12th क्लास की, ये कश्मीर प्रोविंस के लिए ही है खाली। ठीक है, और कश्मीर प्रोविंस के अलावा तो इसमें कुछ तहसील्स आती हैं, जैसे गुरेज आ गया, कीरान आ गया, मचेल आ गया, तंगधार आ गया, तो ये भी इसमें इंक्लूड होंगे। तो अगर आप इसमें इससे बिलोंग करते हैं तो आपका पेपर जो होगा इस डेट शीट के अकॉर्डिंग होगा। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।